अच्छी सर्दियों में और इंस्पायर्ड ईयरिंग्स बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने फॉर्म क्ले ली है, पहले इसकी एक बॉल बना लूँगी, फिर इसके ऊपर मैं ये शाइनिंग वाला कलर कर दूँगी और ये आपका अमेज़ोन पर या फिर फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने हेड पिन ली है, हेड पिन के अंदर पहले क्रिस्टल पर्ल को ग्लू के साथ चिपका दूँगी। और यहाँ पर मैंने ग्लू का यूज़ किया है B7000, आप इसमें किसी अलग ग्लू का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर आप इसको परचेज़ कर सकते हैं अमेज़ोन से। और ये जो बॉल हमने बनाई थी इसको ड्राई होने के बाद मैं इसको अंदर इसके अंदर लगा दूंगी, वो भी ग्लू के साथ लगा दूंगी ताकि ये बिल्कुल भी निकले ना इसमें से। और अगर आपको कलरफुल ईयरिंग्स बनाने हैं तो आप इसमें अलग अलग पर्ल का यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग कलर्स का, तो उससे ईयरिंग्स और भी अच्छे लगेंगे, मतलब ये पूरे मल्टी कलर में हो जाएंगे, तो आप इसको किसी भी ड्रेस पर पहन सकते हैं। ऐसे ही इसके अंदर मैं हेड पिन्स को लगा दूंगी। और अगर आपके पास हेड पिन नहीं है तो आप इसमें ज्वेलरी सिल्वर वायर का यूज़ भी कर सकते हैं, उनको बराबर साइज में कट करके और उसमें पर्ल को चिपका देना, आप इसका ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं। अभी सारे हेड पिन्स को इसमें लगा दूंगी। और यहाँ पर जो साइज़ है मैंने थोड़ा छोटा लिया है क्योंकि ओरी वाले ईयरिंग्स बहुत ही बड़े हैं तो वो थोड़े से वियर्ड लगते हैं पहनने में, इतने बड़े बड़े ईयरिंग, इसलिए मैंने थोड़े पहनने के लिए ही बनाए हैं ईयरिंग, मतलब इसको कभी पहन सको, ज़्यादा बड़े बड़े ईयरिंग्स अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने इसका छोटा रूप ही बना दिया। अब इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है इसके ऊपर मैं डायमंड कुंदन को लगा दूंगी ग्लू के साथ, और आप इसमें स्टोन चेन का यूज़ भी कर सकते हैं। और ये जो कुंदन है ये भी आपको अमेज़ोन पर ही अवेलेबल हो जाएंगे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरे अपने अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और मेरी अदर वीडियोस देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मेरी सारी वीडियोस को डाल कर रखा है, तो क्लिक कर आप मेरी अदर हैंडमेड ज्वेलरी की वीडियोस को भी देख सकते हैं। अब इसका जो बैक वाला पार्ट है इसके ऊपर थोड़ा सा स्पार्कल कलर और कर दूंगी और ग्लू से इसमें लगा दूंगी ईयरिंग स्टंट को, और ऐसे ही इसके एक और ईयरिंग को भी रेडी कर लूंगी। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वाले ईयरिंग कैसे लगे हैं। ऐसे ही आप बहुत तरह के ईयरिंग्स भी बना सकते हैं। देखिए ईयरिंग्स रेडी हो गए हैं। और अगर आपको किसी सेलिब्रिटी की ज्वेलरी बनाना सीखनी है उससे इंस्पायर्ड, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल फॉर माई न्यू वीडियोज़। बाय।